An arrangement of the three parallel straight wire placed perpendicular to the plane of the paper carrying the same current I. ये देखिए है ना। तो अब एक बात देखें जरा मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि तीन वायर हैं, ये एक बी पे है, एक सी पे और ए पे, तीनों परपेंडिकुलर हैं टू द प्लेन, है ना, और सब में करंट जो है क्या फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। द सेम डायरेक्शन एज सुन इन द फिगर, डायरेक्शन भी सेम है, देख रहे हैं जैसा कि आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर बी इज गिवन बाई। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को शायद और अच्छे से कर पाएंगे। अगर सपोज करें कि दो वायर हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, और एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे, वायर पे सेम करंट फ्लो कर रहा है, सेम करंट, तो इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, अट्रैक्टिव करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट होता है तो रिपेल करता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। तो आप देखें बी और सी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसको F1 बोल दें, ये इधर की तरफ क्या है, ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट है ना, सेम डायरेक्शन में करंट है। देखें जब सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखें मेरे प्यारे बच्चों, जो फोर्स की वैल्यू होती है, यहाँ पर जो फोर्स लगता है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स की जो वैल्यू होती है म्यू नॉट I1 I2 बाई कितना 2πD और यहाँ पे कितना L, या हम इसको L इधर ला लेते हैं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πD, ये हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा फार्मूला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस फार्मूले को लगाते हैं। तो B और C के बीच में हम लगाना चाहते हैं, ये B रहा, ये B और सॉरी डॉट है, इसमें अंदर की तरफ जा रहा है, और ये C, ये भी डॉट है, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे। तो इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा F1, और F1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, F1 इक्वल टू आएगा म्यू नॉट I1 की वैल्यू आई है, I2 वैल्यू आई है, इंटू L बाई कितना 2πD डिस्टेंस। या और क्या मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ F1 इक्वल टू कितना, लिख सकता हूँ म्यू नॉट I2 और L को इधर ला लिया तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गई बाई कितना 2πD। सिमिलरली आप देखें यहाँ पे कि जो A है ये तो C था, ये B है, A वाला पे देखें A तो यहाँ पे है, और A भी यहाँ पे जिसका डायरेक्शन करंट का सेम है, तो यहाँ पे A भी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी B को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है, F2। F2 की वैल्यू अगर निकालना हो तो मैं क्या लिखूँगा, F2 के लिए देखिए लिखेंगे फोर्स F2 इज इक्वल टू कितना म्यू नॉट I L बाई कितना 2π, और डिस्टेंस तो d ही है, तो F2 की वैल्यू कितनी आएगी, F2 फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं कितना म्यू नॉट I और कितना I2 बाई कितना 2πD। आप देख रहे हैं कि दो फोर्सेस एक दूसरे से 90° पर लग रहे हैं, आप देख पा रहे हैं किधर लग रहा है F1 और इधर लग रहा है F2, दोनों की वैल्यू सेम है, फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों का सेम है, तो रिजल्टेंट जो आएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ वो कितना आएगा, F नेट वो कितना आएगा, उसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, वो F नेट की जो वैल्यू आएगी फोर्स पर यूनिट लेंथ की वो कितनी आएगी, अंडर रूट आप ऐसे लिख लें F1 बाई L का स्क्वायर प्लस F2 बाई L का स्क्वायर, दोनों का फोर्स सेम है तो बाहर आएगा कितना, बाहर आ जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ √2, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, इसकी वैल्यू है म्यू नॉट I2 बाई 2πD इंटू कितना √2। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके, देखें जरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी म्यू नॉट I2 √2 बाई कितना 2πD। ऐसा ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है तो एक काम करें, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे √2 और यहाँ पे भी √2, तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, ये कट जाएगा, √2 बच जाएगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट
आई स्क्वायर बाई रूट टू पाई डी, ये आपका आंसर होगा। और ये आंसर कौन सा है, फोर्स म्यू नॉट आई स्क्वायर रूट टू पाई डी, एन ऑप्शन फोर इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फोर जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू बच्चों।